वालेकुम जी। उस्मान लगा लिया था, वैसे भी वीकेंड था, संडे जो है संडे का दिन था व्लॉग, तो इस वजह से जो है ना बस हमने फटाफट से ये सीज़न लगा लिया और बैठ गए। और जनाब ये चीज़ें जो है ना, कुछ जो मेहमान आए थे कल हमारे, वो लेके आए थे अब्दुलाहत के लिए कुछ चीज़ें, ये ले आए थे, तो ये मैंने सोचा कि चलें आपको दिखा देती हूँ। इसमें जूसेस थे और ये चॉकलेट्स थी और लेज़ और कोकोमो, मतलब सब वही चीज़ें थी जो अब्दुलाहत खाता है। तो इससे थोड़ी देर पहले ही जो है ना इसके बाबा इसके लिए इतना बड़ा शॉपर भर के लेके आए थे जूस और ये सब चीज़ों का, और थोड़ी देर बाद ही जो है ये अब्दुलाहत की और चीज़ें आ गई। अब्दुलाहत की तो माशाल्लाह से मौजें लग गई आज। और जी उसके बाद बस अब संडे के लिए जो है खाना शाना बनाना था मैंने, तो नाश्ता जो है हमने कर लिया था, आज बाहर से कर लिया था, नान चने ले आए थे हस्बैंड, लेकिन वो नान चने ना बस ऐसे ही थे। ये नान चने भी किस्मत से ही अच्छे मिलते हैं, कभी चने अच्छे होते हैं तो नान जो है वो अच्छे नहीं मिलते, और कभी नान जो है अच्छे मिल जाते हैं तो चने अच्छे नहीं मिलते हैं। तो बस ऐसे हल्का फुल्का हमने नाश्ता किया था, तो मैंने ना तकरीबन 1:15 बजे जो है ना मैंने कहा जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता जो है पेट भर के नहीं किया हुआ तो भूख लग जाएगी हमें, तो फटाफट से जो है ना खाना बना लेती हूँ। तो मैं जनाब बनाने लगी हूँ यहाँ पे चोलिस्तान चिकन कढ़ाई, जिसके लिए मैंने आपको जो है ना यहाँ पे दिखाया है कि सिर्फ टमाटर मैंने काटे हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और बस इसके अंदर प्याज नहीं डालने। मज़े की बात यह है कि प्याज के बगैर बननी है, तो आराम से आप बना सकती हैं इसको। और सबसे पहले जो है ना इसके अंदर हम ऑयल में जो है ना इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ग्रीन चिलीज़ का जो टेक्सचर है ना वो हमारे ऑयल के अंदर अच्छी तरह से चला जाएगा, और वो हमारे सारे सालन के अंदर जो है ना वो टेक्सचर आएगा ग्रीन चिली का चिकन के अंदर, और वो बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा। और इसको जो है हल्का सा फ्राई करने के बाद बस हम बाहर निकाल देंगे और इसके इसी ऑयल के अंदर जो है चिकन डाल देंगे। चिकन जो था ना मेरा फ्रीज था, और ये जब मैंने ऑयल के अंदर डाला तो वो इतना ज़्यादा उसके अंदर से बस ये जो है ना वो उड़ उड़ के इधर उधर जा रहा था। फिर मैंने इसको कवर करके ना तो 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम करके ना रख दिया था, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से खुल जाए और जो है ना ये इसका जो पानी वगैरह है वो भी सारा सूख जाए, ताकि ये जो है ये इतना उड़ रहा है चिकन, थोड़ा इसको सुकून आए। तो फिर चिकन को अच्छी तरह से भूनने के बाद जी इसके अंदर मैंने डाल दिया जी लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे, और इसके बाद इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। और प्याज ना डलता हो ना तो बस सुकून हो जाता है, यकीन करें। प्याज डालने के लिए तो ना पहले आपको हर चीज़ के लिए रोना पड़ता है इतना, और फिर उसके रोने के बाद जो है ना कहीं जाके आपको थोड़ा जो है ना जायका मिलता है। तो ये प्याज के बग़ैर वाली जो कढ़ाई होती है ना ये ज़्यादा अच्छी होती है, सिंपल होती है, मज़े की बन जाती है। अब लेकिन यह कि वो मसाला थोड़ा कम बनता है, इससे ये एक होता है नुकसान कि प्याज के बग़ैर वाली जो कढ़ाई होती है ना उसका मसाला बहुत कम बनता है। अगर आप टमाटर ज़्यादा सारे डालें तो फिर जो है वो मसाला बनता है, और टमाटर आपको पता है इतने महंगे हुए हैं ना, यकीन करें कि बंदा वो जो है ना प्योर टमाटर वाली कुछ चीज़ बनाने का सोचता ही नहीं है। बंदा कहता है कि नहीं प्याज वाली ही बना लेते हैं, लेकिन अब मैंने सोचा कि चलें कोई बात नहीं, मेरा तो थोड़ा सा ही चिकन है तो थोड़े से ही टमाटर डलने हैं, लेकिन जब ज़्यादा सारा होगा तो जो है ज़्यादा सारे टमाटर डलेंगे ज़ाहिर है। और जी इसके अंदर जो स्पाइसेस हमने ऐड करने हैं वो मैंने कहा कि मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ, तो मैंने बस 1 टीस्पून जो है सॉल्ट लिया है यहाँ पर, और 1 टीस्पून ही जो है ना रेड चिली पाउडर लिया है। ये रेड चिली पाउडर जो है ना मेरा नया था, मतलब दूसरे स्टोर से मैंने लिया था, तो अभी इसका कोई अंदाज़ा नहीं था ये किस टाइप का है, तेज़ है या हल्का है, तो इसलिए बस मैं एहतियात से ही डाल रही थी। और जी ये धनिया पाउडर आ गया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर आ गया, और इसके अलावा जो है ये 1 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर आ जाएगी, हल्दी इसमें नहीं जाएगी, और बस यही सब मसाले हैं जो इसके अंदर डलेंगे। टमाटर जो है हमारे जब मैं ये थोड़े से भुन जाएंगे तो इसके अंदर हम ये मसाले डाल देंगे। और ये जो स्पैचुला मैं पहले ग्रीन वाला यूज़ कर रही थी ना, उससे ना कुछ ज़्यादा ही जो है ना इसके अंदर ये झाग झाग सी बन रही थी, और ना मतलब कढ़ाई की जो है ना असल लुक की समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या है। और फिर मैंने ना ये चम्मच चेंज किया, स्पैचुला चेंज किया, ये ब्लू वाला यूज़ किया, लेकिन पहले से ही क्योंकि इसके अंदर थी तो वो ज़रा ना ख़त्म नहीं हो रही थी टोटली। फिर इसको बाद में थोड़ी देर मैंने ज़रा साइड पर रखा,
था, और फिर एंड में जो है हमें एक्चुअल लुक जो है वो खाने की पता चली थी कि क्या है असल में। मुझे तो बार बार ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो ये सिर्फ इस स्पैचुला की वजह से ना मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो खैर, इसमें ये मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, और अच्छी तरह से भूनने के बाद सबसे एंड में इसके अंदर हम डाल देंगे जी दही। और ये जो चोलिस्तान कढ़ाई है ना, इसके अंदर दही जो है ना वो ज़्यादा सारा डलता है। मेरे पास फिर भी उतना दही नहीं था जितना मतलब इसमें डालना था, 1.5 इसमें तकरीबन जो है ना डालना था मुझे, लेकिन बस 1 जो है ना ये था मेरे पास, छोटा सा जो बाउल आपने देखा है ये फुल भर के मैंने इसके अंदर डाला है। अगर आपका चिकन ज़्यादा हो तो फिर आप इसके अंदर दही जो है ना इससे भी ज़्यादा डालें। तो बस दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह से जो है मैंने भून लिया था, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने रख दिया था इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम करके, ताकि जो है ना चिकन में कोई कसर ना रह जाए बिल्कुल भी। अगर कोई कसर होगी तो वो पानी से जो है वो उसमें जो है वो गल जाएगा अच्छी तरह से, और हमारी जो है वो ग्रेवी भी बन जाएगी, कढ़ाई जो है वो सूखेगी नहीं बिल्कुल भी। लेकिन ऐसा ही होता है कि कढ़ाई जब आप मतलब पहले पहले खाते हैं ना, यानी जब पहली बार खाते हैं खाने में, तो वो सारी ग्रेवी जो है ना उसकी तभी ख़त्म हो जाती है, और जब सेकंड टाइम खाने की बारी आती है ना तो खाली चिकन चिकन रह जाता है। तो ये कढ़ाई जो है ना इस टाइप की है कि बस एक ही दफ़ा में जो है ना बस बैठ के खा लो आराम से, और दूसरी बार वाला कोई सीन नहीं होता है। तो खैर, इसको जो है खूबसूरत बनाने के लिए, इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने ये जो है अदरक काट लिया था, और ये वही ग्रीन चिलीज़ हैं जो मैंने शुरू में जो है फ्राई की थी। आप ये डाल लें, और दिल करे तो साथ और भी ग्रीन चिलीज़ आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो है असल लुक मुझे पता चली थी कढ़ाई की क्या है, तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी जो है कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी थी, चोलिस्तान कढ़ाई। तो मैंने तो जो है ना खाना बनते ही फ़ौरन ही जो है ना खाना खा लिया था, सालन बनते ही, बल्कि मैंने जो है नान गरम किया और उसी के साथ जो है ना सालन खाया, और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। मेरे हस्बैंड ने अभी खाना नहीं खाया था, वो कहते हैं कि मैं शाम में खाऊंगा, अभी उनका मूड नहीं था। और जी मैंने फिर खाना खाने के बाद जो है ना अब्दुल हाथ को हमने कहा कि चलें बाहर ले जाते हैं। हर वीकेंड ही हम लोग प्लान बना रहे थे इसको कहीं ज़ू ले जाएं, इसको कहीं पार्क ले जाएं, कहीं मॉल ले जाएं। लास्ट वीकेंड हम लेके भी गए थे इसको मॉल, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। और अक्सर तो ऐसा होता है हमारे साथ कि हम अभी सोच ही रहे होते हैं और ये बिल्कुल पूरे पूरे टाइम पर जो है ना सो जाता है, और वो सारी प्लानिंग्स ख़राब हो जाती हैं। तो हमें होता है कि चलो ये इंजॉय करेगा, और आज हम इसको पार्क लेके गए तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसने जो है ना बहुत इंजॉय किया, और इसने हमें अपने पीछे लगाया हुआ था। यकीन करें इसने वो कोई ग्राउंड के ना 5-6 चक्कर लगा लिए थे, और ये रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। तो फिर बस मैंने इसके बाबा से कहा कि बस अब मेरी बस हो गई, या तो फिर मैं बैठ जाती हूँ एक जगह पे आप लोग फिरते रहें, या फिर बस अब चलते हैं, बहुत हो गया है। ऐसे लग रहा था जैसे अब्दुल्लाह जो है ना बस आज़ाद हो गया और अब कोई रोकने वाला नहीं है इसको। तो कुछ इस टाइप के जो सीन्स इसके हालात थे, और आप देख सकते हैं कि बस भागे जा रहा था, ये भागे जा रहा था मुसलसल, और बस इसी ने यही कुछ किया। फुटबॉल इसके लिए हमने लिया, इसने फुटबॉल भी नहीं खेला, ना कोई झूला इसने लिया। मैंने कहा ट्रेन इसको जो है वो ले देंगे, लेकिन इसने वो भी बस इसको था कि मैं फिर लूँ किसी तरह से, और बस ये जो है ना माशाल्लाह से फिरता रहा। और घर आते ही जो है ना बल्कि रास्ते में ही जो है ना ये सो गया था। हमारा प्लान बना कि हम जो है क्रीम मार्केट चले जाएँगे, वो कोई स्पैरल पोटैटो गोलगप्पे वगैरह कुछ इस टाइप का खा पी लेंगे, लेकिन ये जो है ना इतना थक गया था कि बस ये रास्ते में ही सो गया, और ये रोने लग गया कि मुझे घर जाना है घर जाना है। तो बस फटाफट से हमने बाइक भगाई और हम घर चले गए। और बस घर आने के बाद जो है ये जो है ना विंग्स मैंने अपने लिए ले लिए थे, मैंने और अब्दुल्लाह ने विंग्स खा लिए थे, और इसके बाबा के लिए मैंने रोटी बना दी थी, उन्होंने आके खाना खा लिया था। तो बस इसी के साथ जो है ना आज का ब्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करना है आपने आपको ब्लॉग कैसा लगा है। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।